हाउ टू मोड GTA 5 लाइक यूट्यूबर्स इन जस्ट वन स्टे। दोस्तों आज मैं तुमको यूट्यूबर्स एंड इवन के मेरी तरह GTA 5 को मोड करना सिखाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ वन स्टेप में। अगर तुम मेरे तरीके से अपनी गेम को मोड करोगे तो तुम्हारी गेम के ग्राफिक्स ऐसे से ऐसे एंड इवन के ऐसे से भी ऐसे हो जाएंगे। एंड दोस्तों इसके अलावा तुम्हारी गेम में एक लैंड क्रूजर एंड दूसरी टोयोटा रिवो जैसी दोनों गाड़ियाँ भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। दोस्तों आज मैं तुमको एक एक मोड अलग अलग करके डाउनलोड या इंस्टॉल करना नहीं सिखाने वाला, बल्कि मैंने आपके लिए एक बेसिक मोड्स पैक बनाया है जिसको सिर्फ हमने डाउनलोड करके अपनी GTA 5 में कॉपी पेस्ट कर लेना है। बस एक ही क्लिक में अपनी GTA 5 मोड हो जाएगी। ओके तो दोस्तों अगर तुम भी रेडी हो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें अपना बेसिक मोड्स का पैक मोड डाउनलोड करना है, जिसके लिए आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपका ये बेसिक मोड्स का पैक मोड डाउनलोड हो जाएगा। इसकी साइज थोड़ी बड़ी है क्योंकि इसमें सभी मोड्स अवेलेबल हैं। वेल दोस्तों इसके बाद आपने इसे करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सेकंड लिंक को ओपन करना, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का गेम कॉन्फ़िग वाला मोड ओपन हो जाएगा। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके फिर से डाउनलोड पर क्लिक करना है, जिससे ये अपना गेम कॉन्फ़िग वाला मोड भी डाउनलोड हो जाएगा। ओके तो दोस्तों हमने अपने दोनों मोड्स डाउनलोड कर लिए, अभी जल्दी से हम अपनी गेम में इनको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने अपने दोनों मोड्स को विनरार सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। विनरार का सॉफ्टवेयर लिंक भी तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कोई नहीं, ये जल्दी से अपने एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके तो दोस्तों यहाँ पर तुम देख ही सकते हो अपने दोनों मोड्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, तो मैं इनको साइड पे रख देता हूँ। अभी सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, बेसिक मोड्स वाला पिक मोड ओपन करेंगे। इसको यहाँ पर हमने राइट साइड में लगा देना है एंड लेफ्ट साइड में हमने अपनी GTA 5 गेम की मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेनी है। ओके तो दोस्तों अभी हमने ऐसा करना है, बेसिक मोड्स पैक वाले फोल्डर से इन सभी फाइल्स को सिंपली हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐसा करेंगे ओपन IV सेटअप के ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, जिससे ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों हमने सिंपली इन सभी फाइल्स को यहाँ से ड्रैग करके अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में ड्रॉप कर लेनी है। आप चाहो तो अलग अलग से भी इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मेरे पास ये पहले से मौजूद है तो मैं इनको डॉट कॉपी कर देता हूँ। आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप कॉपी एंड रिप्लेस कर देना। यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी अपनी गेम में इन सभी फाइल्स को कॉपी किया है। आप ना कॉपी एंड रिप्लेस कर देना। अभी दोस्तों हमने सिंपली अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी को क्लोज करके अपना यहाँ पर ओपन IV वाला सेटअप जो है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली इंग्लिश पर लैंग्वेज रखकर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो सिंपली इस एग्रीमेंट पर हमने टिक करके फिर से कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद दोस्तों फिर से हमने कंटिन्यू करके थोड़ी देर वेट करना है, जिससे अपना ये ओपन IV वाला सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो मेरा ओपन IV आ चुका है, तो इसको सिंपली हम क्लोज कर लेंगे यहाँ से। ओके तो दोस्तों अभी हमने ओपन IV वाला अपना सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पर GTA 5 में हम विंडोज़ वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्राउज में जाकर जहाँ पर भी आपकी GTA 5 सेव है उस लोकेशन पे आ जाना है, जैसे मेरी लोकल डिस्क D में है। गेम्स में आकर मैं GTA 5 को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर तुमने ऐसा करना है कि अपना जो गेम का वर्जन है ना, ये तुम्हें दिखेगा, इसको सिंपली हमने याद कर लेना है। अभी दोस्तों सिंपली हमने कंटिन्यू करके फिर से कंटिन्यू करके थोड़ी देर वेट करना है, जिससे ये अपना ओपन IV ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। वेल दोस्तों अपना ओपन IV ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपने ऐसा करना है, इस लोकेशन पर आपने क्लिक करना है, जिससे ये अपना एडिट मोड वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। सिंपली येस करके एडिट मोड को इनेबल कर लेंगे। आप चाहो तो F6 बटन से भी एडिट मोड को इनेबल कर सकते हो। वेल दोस्तों अभी हमने ऐसा करना है, मोड्स का फोल्डर आपके पास पहले से ही आ जाएगा। सिंपली इसमें जाकर अपडेट में जाना है, इसके बाद update.rpf देन कॉमन, इसके बाद डेटा, देन यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि अपना ये जो GTA 5 config है ना, इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर अगर आपका GTA 5 लेटेस्ट वर्जन है तो आपने इस फोल्डर में चले जाना है। इसके बाद अगर आप थोड़े मोड्स इंस्टॉल करना चाहते हो अपने GTA 5 में तो ऊपर वाले फोल्डर में, अगर आपने ज़्यादा मोड्स अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने हैं तो नीचे वाले फोल्डर में आ जाना है। लेकिन अगर आपका GTA 5 लेटेस्ट वर्जन नहीं है, मेरी तरह पुराना वर्जन है, तो आपने ऐसा करना है कि बैक आ जाना है। फिर से बैक आकर यहाँ पर आपने सिंपली ओल्ड वेरियंस में चले जाना है। इसके बाद जो भी तुम्हारी गेम का वर्जन है वो उस फोल्डर में यहाँ पर आ जाना है, जैसे हमने याद किया था मेरी गेम का था ये 1.0.1180.1, तो मैं सिंपली इस फोल्डर में आ चुका हूँ।
यहाँ पर आपने सिंपली इस मेन्स GTA 5 बेस वाले फोल्डर में चले जाने, उसके बाद यहाँ से हमने गेम कॉन्फिग वाले फाइल को सिंपली ड्रैग करके यहाँ OpenIV में ड्रॉप कर लेना है। अभी दोस्तों इसको कट करके यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर तुम्हें गेम कॉन्फिग डॉट XML वाला फाइल देखेगा, सिंपली इस पर राइट क्लिक करके एडिट करना है, यहाँ सर्च में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर अपने क्लोथ लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो पूल साइज़ वैल्यू है ना, इसको अपने 60 से 600 कर लेना है। देन दोस्तों सिंपली अपने यहाँ पर सेव कर लेना है, बस अपनी GTA 5 मोड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि है ग्राफिक्स को एनहेंस करना, तो गेम ओपन करते हैं एंड देन में तुम्हें ग्राफिक्स को एनहेंस करना सिखाता हूँ। दोस्तों आप जैसे गेम ओपन करोगे तो आपके ग्राफिक्स एक तो पहले से ही यार अपग्रेड हो चुके होंगे, यहाँ पर तुम देख ही सकते हो। मैंने भी आपकी तरह सिंपली गेम ओपन की है एंड तुम ग्राफिक्स यार चेक कर ही सकते हो। अभी हमने इनको और भी इन्हेंस करना है एंड यहाँ पर अपनी रिवो एंड लैंड क्रूजर इंस्टॉल सॉरी स्पॉन करनी है, तो सिंपली हमें ऐसा करना है F8 बटन प्रेस करना, जैसे ये एक ग्लिच आ जाएगा। दूसरी बार F8 प्रेस करेंगे तो अपना मेन्यू ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्पोनर में जाकर मैनेज सेट फाइल्स में चले जाएंगे। देन दोस्तों यहाँ पर तुम्हें कार्स का फाइल देखेगा, सिंपली इसमें आकर लोड प्लेसमेंट्स पर एंटर करके थोड़ी देर वेट करना है, जिससे यहाँ पर आपके गेम के ग्राफिक्स भी इनहेंस हो जाएंगे एंड आपके गेम में ये रिवो एंड लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ भी स्पॉन हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों ब्लैक कलर में रिवो अपने देख ही सकते हैं, भाई साहब कितनी खतरनाक लग रही है। 1 सेकेंड यहाँ पर गैरेज में देखना लैंड क्रूजर एंड इसके अलावा सामने भी एक रिवो व्हाइट कलर में खड़ी है एंड यहाँ पर एक ब्लैक कलर में लैंड क्रूजर चेक करो। ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपको और भी 16 पाकिस्तानी व्हीकल्स इंस्टॉल करने अपने GTA 5 में तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ, वहाँ पर हम मिलेंगे। एंड अगर इन गाड़ियों का अपने प्रोटोकॉल बनाना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ।